मालेगावचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी काँग्रेस पक्षाला रामराम करत व्यक्तिगत कारणाने राजीनामा देत असल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले आहे. ऐका, काँग्रेसचे माजी आमदार आसिफ शेख हे काय म्हणतायत. ते ऐसा है कि आज ही सब मैं बात बता दूंगा तो उचित नहीं होगा. मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैसेज जाए, लोकल मीडिया के माध्यम से शहर की जनता को बात पता चल जाए. और मैंने कहा कि मैं कल से शहर के दौरे पर निकलूँगा, हर वार्ड में जाऊँगा, कार्यकर्ताओं से मिलूँगा. और मेरी क्या समस्या थी, क्या वजह से मैंने कदम उठाया, मैं शहर की जनता के सामने रखने वाला. नाराजगी की कुछ तो वजह होगी. नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा दुख भी हो रहा है. कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता को साथ में लेकर हमेशा हमने हमारी मन की किया, इस मर्तबा कार्यकर्ता जो बोलेगा वो करेगा. सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसा आज आपने चौंकाने वाला फैसला लिया, ऐसा ही एक चौंकाने वाला फैसला आप लेने वाले हैं और ऐसी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसा है कि आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा. जब फैसला होगा तो आपको ही बुला के बोलना पड़ेगा ना, आप ही तो बात पहुँचाएंगे. कमजोर तो नहीं होंगे मालेगांव में, आपके वालिद सदर हैं कांग्रेस के. ऐसा है, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया हूँ, मैंने मेरी व्यक्तिगत लिया हूँ. आज मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा मेरे सिवा. अब ये सारी बातें जो है मैं कार्यकर्ताओं से ही मशवरा करके आगे बढ़ूँगा, फिर उसके अंदर नुकसान और भी पार्टियों को हो सकता है. ज़रूरी थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा. नहीं, ऐसा है कि बहुत विचार करके ये फैसला मैंने लिया हूँ. अगर मुझे दोबारा उसी जगह जाना रहता तो मैं ये फैसला ही नहीं लेता था. और मैंने मेरी भावना मेल के माध्यम से मेल कर दिया हूँ, पोस्टों से मैं लेटर भी भेज दे रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं वापस हो सकता. चलिए.